गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। तो डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक अगला आपका मॉडल पेपर होगा, और इस मॉडल पेपर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप के प्रश्न जीआईसी में पूछे जाने वाले हैं, और प्रश्न का लेवल हो सकता है इस बार थोड़ा इस मॉडल पेपर से भी थोड़ा हाई रहे। तो आप इस बात को विशेषता ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल हूबहू एग्जाम में देखे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित ये पूरा मॉडल पेपर होने वाला है। तो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़े, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, रेनडियर मॉस इज, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन, लाइकेन्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, एल्कल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर फोर, कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्किगोनियम इज एबसेंट, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर वन, स्पायरोगायरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, द प्लेसेंटेशन इन लेग्यूमिनोसी इज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, मार्जिनल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये रहा बिल्कुल, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज टू, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन देखिएगा क्या है, टेट्रा डायनेमस स्टेमेंस आर, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, रूट्स आर एडवांटेजियस डिपेंडिंग अपॉन देयर, अब चार ऑप्शन बिल्कुल आपको विजिबल हो रहा होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लेस ऑफ ओरिजिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर एट और उनके चारों ऑप्शन, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुगर केन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, वेलामिन टिश्यू इज फाउंड इन, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन ये रहा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्रासिन्यूसलेट ओव्यूल सोस, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसिलस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर वन, क्या है, आर्टिकोलॉजी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ इन्वर्टेड इन केस ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चार ऑप्शन बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सुगर केन इकोसिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन होगा, हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द वर्टिब्रेट आई आर डेवलप्ड फ्रॉम, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्टोडर्म ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड और राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वीट ग्लैंड्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन है इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन, इसका चार ऑप्शन में से राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2, पिन्नी ऑफ मैमल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन है मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन्स थियरी इज, बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट कन्विंसिंग इन डार्विन्स थियरी इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा इसको छोटा कर लें। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट ऑल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बॉडी, चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 क्या है, देखिएगा कोकिक्स वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स ईयर मसल्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन है विच इज द कनेक्टिव लिंक ऑफ रेप्टाइल्स टू बर्ड्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन काम करता है, मतलब कौन सा कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्कियोप्टेरिक्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन है द डिहेशन ऑफ मॉस कैप्सूल्स टेक्स प्लेस बाय ए रप्चर ऑफ द फॉलोइंग, देखने को मिल रहा होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपर कुलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लार्जेस्ट मेल गैमेट्स इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाय, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, साइकस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेनम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है द टर्म डार्क रिएक्शन टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, फोटो रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, चार ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल, देखिएगा क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इनडेंजर्ड स्पीसीज, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, इंडियन टाइगर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन पॉन्ड इकोसिस्टम, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एबिसल जोन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच ऑफ दीज इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्टिब्रेट फॉसिल्स दैट हैड कार्पल्स एंड इज बिलीव्ड टू द मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड टेरापोड्स,
चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर क्या है, टिक्टैलिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा बिल्कुल। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विच एंजाइम एक्सीलरेटेड क्लोराइड शिफ्ट इन आरबीसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार में से ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेजो इज द राइट आंसर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अब यह रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट आर, द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट आर। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर फोर, मेटा नेफ्रोस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिएगा, मार्कोजेनेसिस स्टार्ट्स विथ। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, गैस्ट्रुलेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई, तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा, ओसीपीबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन देखिएगा, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर वन, क्या है ऑप्शन नंबर वन, प्रोस्थेटिक ग्रुप होना चाहिए, पी आर ओ ऐसे होना चाहिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, चार ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, बर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। क्वेश्चन है, बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन, सिरेटियम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन प्लास, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन, एरेक्निड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है, सी हार्स इज, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन, फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियंस, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन, इक्थियोफिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, देखिएगा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, स्नेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, इन अ टर्जिड सेल या टर्गिड या टर्जिड, इन अ टर्जिड सेल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डीपीडी इक्वल टू जीरो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। और यह रहा क्वेश्चन नंबर 42, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज हाई व्हेन, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है, C50H72O5N4Mg इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल का फार्मूला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बार्टोलिज्म इज, बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फूड पॉइजनिंग कास्ड बाई सेप्रोफिटिक बैक्टीरियम इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ फर्टिलाइज्ड इनटू वाटर बॉडीज रिजल्ट इन, चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यूट्रोफिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ऑफ द अबव यानी ई कोलाई एंड ए ट्यूनिफेशियंस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन देखिएगा, टी4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, टी4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, चार ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, टी4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन ताकि क्लियरली आप सुन सके, टी4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज कॉल्ड, तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, RDNA इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, पायरिनवाइड इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पाइरोगायरा, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट टिश्यू इज कॉल्ड, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, एपोगैमी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर एयर इन हेल्दी मैन इज अबाउट, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, 3000 ml इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, पाइरुविक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है, अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर क्या है, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ और क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, कैपिलरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स पर क्यूबिक एमएम इज, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इन ह्यूमन ब्लड द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट पर क्यूबिक एमएम इज, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 lakh to 7 lakh इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है, O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ HB इज, O2 होगा यहाँ पर तो हम इसको 2 बना देते हैं, O2 डिसोसिएशन कर्व ऑफ HB इज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
सिग्मॉइड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नो एंटीबॉडीज इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है कॉगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय, बढ़िया क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिपेरिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनीज इज अबाउट, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 15 mmHg इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आर्निथिन साइकिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज थ्रेटनेड द मोस्ट, और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मैंग्रोव्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है ओल्ड IARI वाज लोकेटेड एट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पूसा रोड बिहार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैंग्रोव प्लांट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं क्या है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 64। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, टू ऑब्जर्व कियाजमाटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियासिस, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, पैकेटिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है अनिल वाज ड्रिवन इनटू द ट्रंक ऑफ एन स्टिल क्या है एक्टिवली ग्रोविंग ट्री एट ए पॉइंट 4 feet फ्रॉम द सॉइल लेवल आफ्टर 4 years इट विल, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अनिल वाज ड्रिवन इनटू द ट्रंक ऑफ एन एक्टिव ग्रोविंग ट्री एट अ पॉइंट 4 feet फ्राम द सॉइल लेवल आफ्टर 4 years इट विल, तो मतलब कि अगर किसी ऐसे वृक्ष के तने पर एक नाखून का चिन्ह किया जाता है, नाखून को धसाया जाता है जो कि ज़मीन से 4 feet की ऊंचाई पर हैं, तो 4 साल बाद वो मतलब क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वो अपने स्थान से हट जाएगा क्या, समथिंग क्वेश्चन ये है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर क्या होगा, रिमेन वेयर इट वाज ऑप्शन नंबर 1, मतलब नील जहां आपने चुभोया है वो वहीं पर रहेगा, केवल ज़मीन से उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, मतलब कि स्थान नहीं बदलेगा, मतलब रिमेन वेयर इट वाज वो वहीं रहेगा जहां पर वह था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई विच एमंग द फॉलोइंग, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, फंजाई इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइबोसोम इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। क्या है देखिएगा क्वेश्चन है वेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिहार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है लक्स मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3, लाइट इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने। क्वेश्चन है बीओडी स्टैंड्स फॉर, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, और यह रहा क्वेश्चन नंबर 71। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, द म्यूटेशन थियरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ह्यूगो डीब्रीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं, यह रहा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन क्या है, इन द आइस ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो बिकॉज, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑल द एबव इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है द फ्रिक्शन बिटवीन द आईलिड्स एंड द कॉर्निया इज अवॉइडेड बाय द सेक्रेशन ऑफ, चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, मीबोमेन ग्लैंड्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 74। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकागन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75, वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विथ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 76, हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पैराथार्मोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 ये रहा क्वेश्चन नंबर 77, देखते हैं क्या है, ओव्यूलेशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय, बढ़िया क्वेश्चन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, FSH एंड LH इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ STH इन अर्ली लाइफ लीड्स टू, राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ड्वार्फिज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द एपिकल्चर, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसके राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे जो है हम क्लियर हो सकेंगे कि आप पूरी कंसंट्रेशन से जो है वीडियो को आप देख रहे हैं कंसंट्रेट होकर, तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे 79 का, व्हाट इज एपिकल्चर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट इज नॉट लेस देन 1 इन, और इसका भी राइट आंसर आप कहीं से भी खोज कर देंगे, कैसे भी देना है, लेकिन आप GIC के यदि सीरियस कैंडिडेट हैं तो इसका आंसर क्लियरली आप दे सकते हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया तो हम समझेंगे कि आपने वीडियो को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा है, और साथ ही साथ आप GIC को लेकर सीरियस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लिखें ताकि पता चले कि आप GIC को लेकर सीरियस हैं। तो बीच में मैं कोई बीच में कमेंट नहीं करता हूं कि लाइक करो शेयर करो चैनल को, वो तो आप कर ही देते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप जो लाइक करते हैं, और लाइक करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है चैनल पर, लेकिन लाइक करने से जो हमारा मनोबल है वो और बेहतरीन होता है, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।